अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, तो एक चीज दिमाग में डाल लो, द सेकेंड यू क्लिक दिस वीडियो टिल 7th of May, the moment you submit your paper of NEET 2023, you don't have to give up and you have to give your 100% no matter tumhara preparation kahan par hai. Abhi isi moment se, just promise yourself to give your 100% and rest bhagwan pe chhod dete hain. Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel Tanish Holik and I am Tanisha Jaiswal, second professional MBBS student in RDSMC Ayodhya. So today I am here with a very 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 helpful video for all NEET 2023 aspirants and मुझे literally ये video बनाने में and इसकी scripting करने में और आगे बहुत सारे videos ला रही हूँ मैं तुम्हारे लिए इस साल and consolidating everything I came to a conclusion that you can divide this 100 chapters of NEET into small small chunks or sections जो अगर तुम उस तरीके से सर्वाइव करते हो तो तुम्हारी जो है ना टाइम वेस्ट नहीं होगा और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. एंड अगर तुम ये 56 चैप्टर्स आठ दिन में कर लेते हो ना, मतलब 100 चैप्टर्स के अगर लगभग है 98 है वैसे, तो 100% में से अगर तुम 50% क्रॉस कर लिया ना आठ दिन में, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इधर से इधर चला जाएगा. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस 8 days of your hard work can increase up to 200 marks in your mock test. जो परेशान है बच्चे, जो 200, 300, 400 पे अटके हुए हैं, ये अगर मेरी ये स्ट्रैटेजी अगर फॉलो कर लिया तो आई स्वेयर तुम बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हो. क्योंकि सारे बच्चे है ना चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद उन्हें ये नहीं समझ में आता है लास्ट मंथ में कि किस अप्रोच से हम रिविजन करें कि वो सारे चैप्टर्स को एक बारी लास्ट मंथ में रिवाइज कर ले. तो तुम्हें ये 56 चैप्टर्स को अप्रोच कैसे करना है, कैसे आठ दिन में रिवाइज करना है, तो आई हैव डिवाइडेड दिस 56 चैप्टर्स इनटू 40 तुरंत रिवाइज हो जाने वाले चैप्टर्स एंड 16 कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगने वाला. आई एम नॉट सेइंग 16 चैप्टर्स बहुत टफ है, दिस इज ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो ना, तो कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी होना चाहिए. 40 चैप्टर्स इन 8 डेज, easy 40 chapters means you have to revise 5 easy chapters every day. 16 comparatively tough chapters, you have to revise 2 comparatively tough chapters every day. तो हो गया ना 56 chapters in 8 days. So जल्दी जल्दी से फटाक से मैं बता देती हूँ, 40 easy chapters में से 10 chapters of physics जो बहुत easy है और तुम्हें इस 8 दिन के अंदर revise करना ही है, वो है बेसिक मैथ्स 1D 2D. इनिशियल के चैप्टर्स हैं, हमने बहुत जोश में पढ़ा था इसे और हम बहुत तेजी से रिवाइज कर सकते हैं. प्लस 12th के लास्ट मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स, एटम्स. अगर तुम फिजिक्स में एटम्स करोगे तो तुम्हारे केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपने आप हो जाएगा, ठीक है. न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर, 6 चैप्टर्स ये हो गए. फिर 4 चैप्टर्स जो बचा है, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स करोगे तो केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स एक साथ करोगे, इजीली हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है. 7 चैप्टर वो हो गया. बचे हुए 3 चैप्टर्स आर KTG, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड EM वेव्स. दिस 10 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स आर रियली वेरी इजी एंड ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम इसे बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो और यू कैन इंश्योर अ गुड मार्क्स. एटलीस्ट तुम इससे 9 से 10 क्वेश्चन, तो मतलब 10 चैप्टर है, अगर एक चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आता है तो मैं 40 मार्क्स तुम इस 8 दिन में फिजिक्स के सिक्योर कर लोगे. मूविंग टू केमिस्ट्री 10 ईजी चैप्टर्स, वही जोश जोश में किया हुआ 11th का चैप्टर्स केमिस्ट्री में, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर तो 5-6 फॉर्मूले का ही चैप्टर है, रिडॉक्स रिएक्शन कुछ भी नहीं है रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है. 6 चैप्टर्स ये हो गए. 3 चैप्टर केमिस्ट्री 12th के लास्ट के पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री में कर लोगे, बायो एक साथ कर लेना, ईजिली हो जाएगा, ठीक है. और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स साथ में करना है, ये 10 चैप्टर हो गए तुम्हारे केमिस्ट्री के. नाउ मूविंग टू 10 चैप्टर्स ऑफ 11th बायोलॉजी. देखो मुझे सबसे ईजी 11th के जो यूनिट लगता था वो था सेल साइकिल, सेल डिवीजन,
सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बायोमोलिक्यूल्स और लिविंग वर्ल्ड तो ईजी है ही. प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ईजी है एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी में वो चार चैप्टर्स डाइजेशन सर्क्यूलेशन एक्सक्रीशन लोकोमोशन एंड एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. ये 10 वेरी इजी चैप्टर्स है ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी. लास्टली मूविंग टू 10 ईजीएस्ट चैप्टर्स इन 12th बायोलॉजी रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स जो इनिशियल यूनिट 12th में भी हम ऐसे स्टार्ट करते हैं ना 12th के. अरे 11th तो खराब हो गया 12th तो पहले यूनिट में मुझे बस फर्स्ट यूनिट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. उसको छोड़ के तीनों चैप्टर्स रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ वेरी इजी चैप्टर्स. बायोटेक के दो चैप्टर्स प्रिंसिपल एप्लीकेशन वाले ठीक है 5 ये हो गए और इकोलॉजी का जो है ना तुम्हारा वो सेक्शन बहुत ही ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं ये चाहूंगी तुम कि ये तो तुम कर ही लो इस 8 दिन में. बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आस्क होते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन रिलेशनशिप्स इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं अगर 12th स्टार्ट करती थी रिवाइज करना तो ये 1 घंटे में रिवाइज हो जाने वाला चैप्टर है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर. तो ये रहे हमारे 40 छोटे छोटे चैप्टर्स बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इन द वीडियो एंड डिस्कसिंग 16 कंपैरेटिवली डिफिकल्ट चैप्टर्स टू रिवाइज आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द मेमोनीट ऐप. जो बच्चे लास्ट टाइम में रिवाइज करते करते जिनको है ना कि मुझे एनसीईआरटी रिवाइज किया है नोट्स रिवाइज किया मुझे एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन चाहिए यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस ऐप मेमोनीट एंड यूज माई कूपन कोड. The link is in the description and now I'm gonna tell you about this app, how this can help you, you know, revise your chapters effectively because this Memonit app has questions from every line of NCERT and more than 30,000 plus questions. एंड इसको बहुत इंटरैक्टिव वे में बनाया है. आई रिपीट टेक्नोलॉजी है एंड इसके फीचर्स आर रियली रियली वेरी अमेजिंग. आई एम रिकमेंडिंग दिस ऐप सिंस लास्ट 2 years एंड आई माई सेल्फ हैव लिटरली गॉन थ्रू देयर क्वेश्चंस एंड द वे दे मेक क्वेश्चंस सो इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव दैट सामने वाला बंदा पढ़ के बोर हुआ है ना वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना इरिटेट नहीं हो. ठीक है हम जब इतना ज़्यादा पढ़ते हैं अभी 20 दिन बचा है नीट को हमें रोज़ 12 से 15 घंटे बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने मैक्सिमम 12 आवर्स पढ़े थे यार पता है आज मैटर नहीं करता है. द थिंग विच मैटर्स इज तुम उतने घंटे में कितना मैक्सिमम चैप्टर रिवाइज कर पा रहे हो. सो दिस ऐप कवर्स ऑल द फॉर्मूलास NCERT लाइन टू लाइन ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन फिजिक्स का फॉर्मूला केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला इन फॉर्म्स ऑफ जंबल वर्ड्स मीम पॉडकास्ट. हमें मीम कितना याद रहता है यार. अब तुम सोचो कोई नीट के क्वेश्चन को मीम के फॉर्म में ला दिया तो तुम्हें वो भूलना ही नहीं है. आई रिपीट टेक्नोलॉजी है एक बार गलत कर दिया बार बार वो क्वेश्चन सामने आएगा. एजर्शन रीजन है पिछली बार ही गलती किया होगा कितने ड्रॉपर्स ने एजर्शन रीजन है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज एज वेल एज फुल मॉक पेपर्स आर एनसीईआरटी बेस्ड. एंड यू नो व्हाट एक सीक्रेट बात बताती हूँ 3 lakh स्टूडेंट हैव ऑलरेडी परचेस्ड दिस ऐप एंड आस्क ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम दिस ऐप एंड 20 million प्लस क्वेश्चन तो वो सॉल्व भी कर चुके हैं. एक बच्चा नहीं पूरे बच्चे. डिप्रेशन में मत जाना ठीक है. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गो एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन यूज माय कूपन कोड टू अवेल इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 300. मूविंग बैक टू द वीडियो में बहुत जल्दी में हो बिकॉज यू नो मेरे को ऐसा टेंशन हो रही है कि बहुत कम दिन बचा है. सो फटाक से वीडियो देखो पढ़ने बैठ जाओ ठीक है. सो मूविंग बैक टू द वीडियो दिस आर 16 कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम लगने वाले चैप्टर्स जो आपको सिर्फ 2 चैप्टर रोज रिवाइज करने हैं. सो द 16 कंपैरेटिवली डिफिकल्ट चैप्टर्स दैट यू हैव टू रिवाइज इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑसिलेशन वेव्स रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स. वेव्स के सारे चैप्टर एक साथ रिवाइज करना ठीक है. फिर 5th आता है ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिसिटी ओके. 9th आता है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है. तुम एक सीक्वेंस में उसको जैसे मैंने ग्रुप किया है ना वैसे ही रिवाइज करना ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैग्नेटिज्म एंड AC ओके.
21st तुम्हें ये चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं, आज से 8 दिन है तुम्हारे पास, एंड 22nd को है संडे, ओके? तुम मॉक टेस्ट दोगे, फुल मॉक टेस्ट, और उस दिन से लगातार तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। देखो, अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो तुम मॉक टेस्ट दो, अल्टरनेट डेज दो, रोज दे पा रहे हो रोज दो, नहीं दे पा रहे हो 56% ऑफ सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कॉन्फिडेंस इधर, एंड तब हम रोज टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। उस दिन से तो पीछे नहीं जा सकते। ओ सॉरी, ये तो बताना ही भूल गए कि रिवीजन कैसे करना है। शॉर्ट नोट्स, अपने शॉर्ट नोट्स, क्लास के नोट्स, उसके क्वेश्चंस, एंड PYQs, फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है? और तुमने पेपर्स तो यार पूरे साल दिए होंगे, उसमें जो क्वेश्चंस गलत किया है वो देख लेना, ठीक है? बायो में NCERT रीड करना है, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस अगर तुम्हारे पास कहीं से भी हो, नहीं है तो मेमोनीट ऐप, प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ये 56 चैप्टर्स पढ़ के ख़त्म कर दिया, कोई मतलब नहीं है। हो सके ना तो लिख लिख के सॉल्व करो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम, मेरी राइटिंग बनी रही है तुम्हें समझ ही आ रहा है, कॉपी खोलो सामने, बस उसको ऐसे ऐसे करके मतलब लिख, एक बार लिख लोगे ना, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट चांस यू आर रिवाइजिंग एवरी चैप्टर एंड यू हैव टू रिकॉल दिस ऑन द डे ऑफ योर नीट एग्जामिनेशन। पूरा फोकस सर्वाइज करना, ठीक है? फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स, PYQs गलत किए हुए क्वेश्चंस, एंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लीज़ NCERT पढ़ना मत भूलना, प्लीज़ मत भूलना। बायो में NCERT पढ़ना है, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं, PYQs ज़्यादा मत लगाना, जो इररिलेवेंट क्वेश्चंस आते थे वो मत लगाना, 2-3 साल 4 साल 5 साल तक तुम लगा सकते हो NCERT बेस्ड क्वेश्चंस, एंड मिलते हैं 8 दिन के बाद आगे के चैप्टर्स कैसे कवर करना है उसको। तो 8 दिन तुम ये सारे चैप्टर्स कवर करो, मॉक टेस्ट दो, एंड आई एम विथ यू ऑल गाइस टिल नीट 2023, I promise. Thank you so much for watching this video. Stay tuned. Bye-bye. Love you.